आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने घर के चंद फासले की दूरी पर स्थित रामपुर की जिला जेल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जेल में बंद अपने समर्थकों से मुलाकात की। कुछ देर रुकने के बाद वो जेल से बाहर निकले और वीडियो के मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी को अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर किया है और कहा, क्या कुछ आजम खान है, आइए आपको दिखाते हैं। सदस्य तो मैं लोकसभा का भी था और जिन हालात में मैंने चुनाव जीता था आप जानते हैं, सरकार, प्रशासन, पुलिस, वो सब लगा, जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं देखा। हाँ, बस इतना हुआ 3.5 लाख की जी 1.5 लाख रही। मैं तो तकरीबन 3-3.5 साल में मैं पार्लियामेंट रहा, जिनमें 2 साल में जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवास नहीं। हरदोई में शासन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत फुटपाथ और दुकानों से कब्जा हटाया गया, लेकिन पीके डायग्नोस्टिक रिसर्च हॉस्पिटल के आगे का अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन नाकाम रहा। कहा जा रहा है कि इस हॉस्पिटल के आगे फुटपाथ पर दबंग में फाउंडेशन बनाकर रखा है और यह हॉस्पिटल जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे का है। बता दें कि पहले शहर के कई व्यापारियों के अतिक्रमण फैलाने पर पुलिस प्रशासन ने जुर्माना लगाया था। नगर में अस्थायी अतिक्रमण और जो सड़कों पर जो इंक्रोचमेंट हो गया है उसको देखते हुए नगर पालिका की टीम पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है, प्रतिदिन उनको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जो है सड़क को छोड़ करके अपने प्रमाइश में ही दुकान। औरैया में अपर मुख्य सचिव और गृह पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इस दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को अवैध असलहा, 19 कारतूस और असलहा बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कोतवाली औरैया परिसर में एक वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को 15,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। धरना पूर्वा करके एक जगह है जहाँ पे कुछ लोग बैठ करके अवैध असलाह मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके 2 साथी इस असलाह को अलग अलग जगह, जैसे कि जनपद औरैया, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, कानपुर देहात में इसकी तस्करी करते हैं। इसी के तहत वहाँ पर जब इस छानबीन को किया गया तो थाना बेला की टीम द्वारा और जो स्वॉट टीम है हमारी उसके द्वारा ये सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 45 जो अवैध असलहे हैं उनको बरामद किया गया है। साथ में असलहा बनाने के अन्य सामान जैसे कि गैस कटर, गैस सिलेंडर, स्टील रॉड और अन्य हथौड़ी जैसे कुछ उपकरण वो भी। खबर रायबरेली से है, जहां पर एनटीपीसी की उचाहार परियोजना में कोयले की रैक के साथ युवक का शव पहुंचा, जिसके साथ मालगाड़ी की रैक में शव मिलने से सनसनी फैल गई। झारखंड के छतरा कोल माइन से रैक आई थी, शव पर कई चोट के निशान भी पाए गए हैं। हत्या करके शव को मालगाड़ी में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह घटना एनटीपीसी के कोल हैंडलिंग प्लांट की है। आगरा पुलिस ने अपहरण का खुलासा किया है। बता दें कि सराफा व्यापारी के स्वयं अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और एसओजी की टीम की मदद से सराफा व्यवसायी को बरामद कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सराफा व्यवसायी पर लाखों रुपए का कर्ज था और इसी वजह से उसने झूठे अपराध की साजिश रची थी। वहीं एसएसपी सुधीर कुमार ने बताया कि सफलता हासिल करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। 24 घंटे के अंदर वर्कआउट करके एक शानदार काम किया है। सीओ साहब मेरे पास बैठे हैं, सीओ केरागढ़ साहब, इनके नेतृत्व में टीमों ने आगे फॉरवर्ड जो लिखे थे उनमें काम किया
तो पूरी टीम का जो शानदार हमारे खबर उन्नाव से है, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। नशे की हालत में युवक पत्नी को पीट रहा था, जब जान बचाने के लिए पत्नी घर के बाहर भागी, नशेड़ी पिता ने 6 महीने की दुधमुही बच्ची को जमीन पर पटक दिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। मासूम की चीख सुनकर परिजन वहां पहुंचे तो बच्ची को मौत की हालत में पाया, जिसके बाद पत्नी ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की कार्यवाही शुरू की। सुरेंद्र चौरसिया, जो कि नशे के आदि बताए जाते हैं, कल रात भी नशे की हालत में घर आए और अपनी पत्नी से मारपीट कर रहे थे। मारपीट के दौरान कुछ चोटें इनकी 6 महीने की बच्ची को लगी, जिससे कि उसकी डेथ हो गई, लेकिन इसकी पत्नी को पता नहीं चला। इसकी पत्नी मारपीट के दौरान ही घर से बाहर निकल गई और ये भी नशे की हालत में कहीं बाहर चला गया और बच्ची की मृत्यु हो गई। आगरा में हरियाणा एसटीएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यमुना पार के प्रिया हॉस्पिटल में भ्रूण लिंग जांच करने वाला गैंग पकड़ा है। यह ऑपरेशन थिएटर में भ्रूण भी मिला है। स्टिंग ऑपरेशन में डॉक्टर और एजेंट से 10,000 रुपए रंगे हाथ पकड़े हैं और अभी टीम की जांच चल रही है। टीम को हॉस्पिटल में एक और महिला मिली है और उसका भी लिंग परीक्षण किए जाने की आशंका है, जबकि हॉस्पिटल में एक कन्या भ्रूण भी टीम को मिला। खबर रायबरेली से है, जहां पर उत्तर प्रदेश और शासन के निर्देश पर सभी जिलों और कस्बों में फैले अतिक्रमण को हटाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाले संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने महाराजगंज कस्बे में भ्रम किया और अतिक्रमण देख आक्रोशित हो गई। यही नहीं, तत्काल प्रभाव से एसडीएम शालिक राम और अधिशासी अधिकारी अनुराग शुक्ला को फटकार लगाते हुए अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के निर्देश भी दिए। वही एसडीएम अधिशासी अधिकारी और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटवाना शुरू किया। मुरादाबाद के क्षेत्रवासिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल मंडल पुराना मर्दाना हॉस्पिटल में तेज आंधी की वजह से एक पेड़ अचानक गिर गया और मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि किसी को भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसे को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल की हालत काफी ज्यादा जर्जर है और अस्पताल की खराब हो रही हालत पर अधिकारियों से शिकायत भी की गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। रायबरेली में सड़क सुरक्षा सप्ताह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जानकारी मिली कि एरिया थाने के ठीक सामने स्टेट हाईवे पर लगभग 6 से ज्यादा ट्रकें खड़ी हैं। सड़क के किनारे खड़े ट्रकों की वजह से दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने इस मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि ट्रकों की वजह से हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि हमको उत्तर प्रदेश में होने वाली दुर्घटनाओं को आधा करना है निर्धारित समय के अंदर। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे हाईवेज हैं, रोड, ये चाहे स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो या अन्य प्रमुख राजमार्ग हो, उनके किनारे पर किसी भी तरीके से अवैध पार्किंग नहीं होगी, चाहे वो भारी वाहन हो, छोटे वाहन हो। और इसके अतिरिक्त जो भी हाईवे पर ढाबे हैं जहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसे ढाबे चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, अगर वो अपने ढाबे के सामने इस तरह। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।